नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। आज आपको बताने जा रहा हूँ कि कक्षा 12 यानी क्लास 12 से मैथ में कौन कौन सी एक्सरसाइज कम की गई हैं। तो ये देखिए, 2020 से 2021 में जो आपका एग्जाम होना है उसमें 30% सिलेबस कम किया गया है। ये देखिए, पहला चैप्टर है संबंध तथा फलन से। क्या क्या चैप्टर में नहीं आएगा? संबंध तथा फलन से यानी रिलेशन तथा फंक्शन से आपका नहीं आएगा। संयुक्त फलन, फलन का व्युत्क्रम, द्विआधारी संक्रियाएं, ये आपके चैप्टर में नहीं आएंगी। यानी हम बोल सकते हैं 1.3 और 1.4 संयुक्त फलन में फॉग गॉव वगैरह आते थे, व्युत्क्रम वगैरह आते थे, 1.3 में ये नहीं आएंगे। द्विआधारी संक्रिया यानी 1.4 भी नहीं आनी है आपके सिलेबस में, ठीक है। सेकंड चैप्टर की बात कर लेते हैं तो त्रिकोण प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, तो इसमें ये देखिए क्या क्या नहीं आएगा। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के आलेख और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रारंभिक गुणधर्म यानी 2.2 गुणधर्म में जो है 2.2 एक्सरसाइज है वो नहीं आएगी आपकी, और आलेख में कुछ क्वेश्चन आ जाते थे वो भी नहीं आएंगे, यानी 2.1 का आना निश्चित है। अब ये देखिए, अब आपका अगला चैप्टर आता है आव्यूह और साढ़े, तीसरा चैप्टर होता है आव्यूह और चौथा चैप्टर होता है साढ़े, उससे कुछ ख़त्म नहीं किया गया है। आपका चैप्टर नंबर यानी एक्सरसाइज नंबर 5 थी, 5 में से सिर्फ 5.8 यानी रोले की प्रमेय और मध्यमान प्रमेय ख़त्म की गई है, 5.8 में पूरी ख़त्म कर दी गई है। अब इसके बाद आपका फिर आगे एक्सरसाइज 6 से कुछ नहीं ख़त्म किया, 7 से कुछ नहीं किया, इंटीग्रेशन से यानी 7 यानी इंटीग्रेशन से कुछ ख़त्म नहीं किया, 7 से कुछ नहीं किया, 8 से कुछ नहीं किया, 9 से कुछ नहीं किया, अब 10 से ख़त्म कर दिया आपकी सदिश। तो इसमें ये देखिए, सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति में क्या क्या है, सदिश में से क्या क्या ख़त्म कर दिया है। सदिशों के अधिश त्रिक गुणनफल, सदिशों के अधिश त्रिक गुणनफल आपको 10.3 में मिलेंगे, ये 10.3 आपकी ख़त्म कर दी गई है। त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय यानी 3 डायमेंशनल जो आपकी एक्सरसाइज है 11 है, 11.3 से ये देखिए, 11.3 में ये दो रेखाएं, दो तलों, एक रेखा तथा एक तल के बीच का कोण यानी 11.3 बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगी। प्रायिकता से देखिए क्या क्या ख़त्म कर दिए गए, सयादृच्छिक चर का मध्य प्रसारण ये आपको 13.4 में मिलता, तो ये ख़त्म कर दी गई है। बर्नौली परीक्षण तथा द्विपद बंटन ये भी आपका 13.5 यानी 13.4 और 13.5 ये ख़त्म कर देगी, आपके सिलेबस में नहीं आएंगे। ये तो 30% सिलेबस कम कर दिया गया, 70% में क्या क्या आएगा ये देख लीजिए। 70% सिलेबस में संबंध तथा फलन, बीजगणित, कलन, सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, रेखिक प्रोग्रामन ये आने ही आने आपके, ठीक है, सब कुछ आना है और प्रायिकता भी आनी है। तो संबंध तथा फलन में ये देखिए सब चीज़ आएगी, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तथा तुल्यता संबंध, एकैकी तथा आच्छादक फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में परिभाषा, परिसर, प्रांत, मुख्य, मान, शाखाएं, ये चीज़ आएंगी, ठीक है। तो बीजगणित में आव्यूह में से कुछ नहीं ख़त्म किया, सारणिक में से कुछ नहीं किया, बस कलन नहीं, यानी ये आपका ये हम बोल सकते हैं 5.8 में से आपका ख़त्म कर दिया, 5.8 पूरा ख़त्म कर दिया है। रोले की प्रमेय, मध्यमान प्रमेय ख़त्म कर दी गई है। अवकलों के अनुप्रयोग से कुछ ख़त्म नहीं किया, समाकलन से कुछ ख़त्म नहीं किया इन्होंने, समाकलनों के अनुप्रयोग से कुछ ख़त्म नहीं किया, अब अवकल समीकरण से कुछ नहीं ख़त्म किया, पूरा पूरा आएगा। सदिश, सदिश में सिर्फ आपका चैप्टर नंबर 10.3 ख़त्म किया और 11.3 ख़त्म किया है, 10.3 और 11.3, ठीक है। और रैखिक प्रोग्रामन से कुछ ख़त्म नहीं किया, पूरा पूरा आएगा। प्रायिकता में से बस सिर्फ और सिर्फ आपका 13.4 और 13.5 ख़त्म किया है, इतना ही सिलेबस ख़त्म किया है इन लोगों ने। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपके जितने भी दोस्त हैं उनको ये नहीं पता कि कौन सा सिलेबस आएगा क्या नहीं आएगा, वो पढ़ते जा रहे हैं, जो सिलेबस में आना ही नहीं है वो भी पढ़ते जा रहे हैं, बिना फालतू की मेहनत किए जा रहे हैं। तो उन्हें ये वीडियो शेयर कर देना। थैंक यू, बाय बाय।